लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिश्पना पुल के पास एक निजी होटल में भाजपा मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री अजय कुमार, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित कई विधायक और भाजपा पदाधिकारीगण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव को लेकर के मीडिया की प्रदेश भर में होने वाली गतिविधियों के लिए पूरे प्रदेश भर की मीडिया को संचालित करने के लिए एक मीडिया सेंटर का ये आज शुभारंभ किया गया है। और इसको यहाँ पर जो प्रदेश भर के जो भी मीडिया से संदर्भित कोई कार्यक्रम होंगे और पार्टी की अन्य बैठकें जो होंगी वो इसी केंद्र से संचालित होंगी। और प्रदेश भर में किस प्रकार से हमारे जो लोकसभा स्तर पर मीडिया की जो टीमें बनाई गई हैं, विधानसभा स्तर पर बनाई गई हैं, उन टीमों की भी मॉनिटरिंग यहीं से की जाएगी। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से पूरा प्रदेश का जो माहौल है वो इस कार्यक्रम से भी हमको और गति मिलने वाली। लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन की तरफ से निर्वाचन से जुड़ी हुई जानकारी साझा की गई। चुनाव को देखते हुए संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नामामी बंसल ने कहा कि प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से नामांकन होगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों को भी नामांकन को लेकर निर्वाचन की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस नामांकन प्रक्रिया को करने के लिए suvidha.eci.gov.in एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी है। इसमें भी यही प्रक्रिया है कि मोबाइल नंबर के द्वारा ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात सारी डिटेल्स को फिल किया जा सकता है संबंधित कैंडिडेट द्वारा। और कैंडिडेट अपनी डिटेल्स को फिल करने के पश्चात जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने के बाद उसका एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी पोर्टल में वो समय और तिथि ऑप्ट कर सकते हैं जिस पर कि वो जाकर फिजिकली उसको मुख्यालय में जमा कराएंगे। कुछ दिन पहले हुई धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। विशेष कर वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए धामी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि ब्रिटिश काल में अधिनियमों में संशोधन किया गया। नई नियमावली के तहत अब 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा। वन पंचायत के पास जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचय, वन अग्नि रोकथाम, इको टूरिज्म में भागीदारी का अधिकार रहेगा। अधिकार देने से वन पंचायतों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक पहल की है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, विशेष करके 9 जनपदों के लिए अगर आप बजटीय प्रोविजन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उन 9 जनपदों को कैसे हम इक्वलेंट और जनपदों के साथ, मैदानी क्षेत्र के जनपदों के साथ सुविधाएं दें और इस तरह से देखें कि भाई संपूर्ण उत्तराखंड एक टोकरी में पिरोया हुआ उत्तराखंड दिखे, ये काम हमने किया है। आप राजधानी देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों को नींबूवाला स्थित पर्यटन विभाग के प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सोनिका ने पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे चुनाव पूर्व प्रशिक्षण में बताई जा रही बातों का चुनाव के दौरान पूरा ध्यान रखें। ईवीएम के संचालन से लेकर लिफाफों को सील करने तक में तय प्रक्रिया का पालन करें। आचार संहिता लगने के बाद हमारी टाइमलाइन होती है, उसके अनुसार जो 24 घंटे में, 48 घंटे में और 72 घंटे में हम लोगों को जो संपत्तियां होती है उनसे होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटाने होते हैं। उसके अलावा भी डेली रिपोर्टिंग हमारी चलती है। हमारा एनसीसी का सेल, हमारा सीवी चिल का सेल और जो हमारा कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ है। और आज हमारे जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, उनकी पहली ट्रेनिंग चल रही है गढ़ी कैंट में और वहाँ पे ईवीएम्स की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्लस जो हमारे डिटेल किस तरह से पोलिंग बूथ पे इलेक्शन कराना है उसकी ट्रेनिंग दी जाए।
आगामी लोकसभा चुनाव होने में एक महीना ही शेष बचा है। साथ ही इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर रखी हैं। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा और उत्तराखंड में पहले ही चरण में मतदान होना है, जहां एक तरफ भाजपा के द्वारा उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, वहीं कांग्रेस के द्वारा बची 2 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए मंथन का दौर चल रहा है। निश्चित तौर पर आज कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक दिल्ली में है और उत्तराखंड की जो 2 बची हुई लोकसभा सीटें हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर भी आज चर्चा होगा और सीईसी की बैठक के बाद जो है प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। और वैसे भी कांग्रेस प्रदेश संगठन लगातार उन क्षेत्रों में काम कर रहा है, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं लगातार जो है जनता के संपर्क में है और सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, राहुल गांधी जी का जो प्यार मोहब्बत का संदेश है, जो रोजगार की गारंटी है, वो जनता तक कांग्रेस के जन पहले से ही पहुँचा रहे हैं। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला ने आज कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बूथ स्तर को मजबूत बनाने का आह्वान किया और घर घर जाकर कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने मसूरी माल रोड और लंढोरी बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की, साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनता इस समय बहुत विमुख हो चुकी है, जनता सवाल पूछने लग गई है कि इस महंगाई का जवाबदार जिम्मेदार कौन है। इस ये जो रोजगार और बेरोजगारी की बात की जा रही है, नौजवान खाली घूम रहा है, इसका जवाबदार कौन है? सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार है, कौन जवाब देगा? खाली मन की बात करने से थोड़ी हो जाता है कि आप खाली मन की बात करेंगे। अरे उन सवालों को देखिए, उनका जवाब दीजिए, निस्तारण कीजिए। अंकिता भंडारी का जो है उस बेचारी का न्याय, परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, नौजवान बेरोजगार है। अब इसके सवाल को जवाब कांग्रेस तो नहीं देगी, जनता भी नहीं देगी, लेकिन देगी कौन? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको जवाब देना पड़ेगा और आज हम सब जनता की अदालत में जा रहे हैं। श्रीनगर बेस चिकित्सालय श्रीकोट में विगत 9 मार्च को चमोली जिले के नंदनगर भैटी गांव की एक महिला ने 3 शिशुओं को एक साथ जन्म दिया। जन्म के बाद शिशुओं का वजन से लेकर अन्य तरह की परेशानी थी, किंतु बेस चिकित्सालय के बाल रोग विभाग के डॉक्टर्स की टीम ने 10 दिनों के इलाज के बाद महिला के शिशुओं को नया जीवन दिया। 2 बेटे एवं 1 बेटी को जन्म देने वाली माता एवं उसके पति एवं उसके परिजनों ने शिशुओं को बेहतर इलाज देकर उनको नया जीवन देने पर बेस अस्पताल के डॉक्टर्स का आभार प्रकट किया। मेरे बहन जी के 3 बच्चे हुए हैं, इसमें 2 बालक हैं, 1 बालिका है और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। आज हमारा यहाँ श्रीनगर बेस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है हमारे बच्चों का। मुझे यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिला है बच्चों को और मैं सभी डॉक्टर्स और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 9 मार्च को सुबह 7:45 पे हुए थे और चमोली जिले से खाट नंदप्रयाग से आए हैं, तो तीनों बच्चे जो है समय से काफी पहले पैदा हो गए थे। वजन भी तीनों का जो है नॉर्मल बच्चों से काफी कम था, एक का वजन 1.5 किलो और एक का 1 किलो 600 ग्राम, एक का 1 किलो 700 ग्राम था। सभी बच्चों का ख्याल कैसे रखना है ये पहले हमने शुरुआती यहाँ देखा, बच्चों को मम्मी को समझाया, कंगारू मदर केयर कैसे देनी है तीनों बच्चों को, वो सब इनको समझाया है और ये अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पे जब अच्छे से ट्रेन हो गए तभी हम आज इनकी छुट्टी।